प्रत्येक मोहल्ले में ये अभी कथा चलती है, कृष्ण कथा चलती है, ये लोग आते हैं, प्रवचनकार आते हैं, बोलते ही जाते हैं, लेकिन वो यथार्थ रूप से हमारा इतिहास नहीं बोलते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस जगह पर भागवत कथा चलती है, 5 दिन राधे कृष्ण ही बोलते रहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, सत्य बता देता हूं, पूरी भागवत कथा में, संपूर्ण भागवत महापुराण में राधा का नाम भी नहीं आया है। व्यक्ति तो छोड़ ही दीजिए आप, राधा का नाम तक महाभारत या भागवत महापुराण में बिल्कुल नहीं आया। फिर भी जो प्रवचनकार मूल कथा ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो राधा कृष्ण ही बोलते जाते हैं। अभी हमारे राष्ट्र में अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, बेटा पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त कर लो, 4-5 वर्ष अभ्यास करो, बाद में आप इंजीनियर बन जाएंगे। कोई लड़का बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, जाओ मेडिकल कॉलेज में और 5 वर्ष मेडिकल साइंस का अभ्यास करे पहले, उसके बाद डॉक्टर बन जाना, ठीक है कि नहीं। कोई वकील बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो हम बोलते हैं कायदे कानून का अभ्यास करना चाहिए आपको, लॉ कॉलेज में जाइए, 5 वर्ष अभ्यास करें, उसके बाद आप वकील बन सकते हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। अब ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है कि ऐसी अभ्यास क्रम की रचना जिन्हें भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, भागवत रामायण महाभारत, वेद उपनिषदों पर बोलना चाहिए, उनके लिए ऐसा कौन सा ही एक भी अभ्यास क्रम हमारे पूरी राष्ट्र में नहीं है। इसीलिए तो संत विद्यापीठ में, वैश्विक संत विद्यापीठ में हमने ये अभ्यास क्रम तैयार किया है, जो हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्म की वैदिक प्रस्थान त्रय पर, हिंदू धर्म के आचार्यों पर, हिंदू धर्म के संतों पर, हिंदू धर्म की सदाचार नीति पर, धर्म पर बोलना चाहता है, उसको ये पहला अभ्यास पूर्ण करना चाहिए। उसके बिना वो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर भाषण ना करे। इसका मतलब ये साफ है कि जिनका अधिकार नहीं है वो ऐसे भी लोग व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, प्रवचन करते हैं। हमारी संस्कृति ने कहा है व्यासाय विष्णु रूपाय, जिसका ये अधिकार है वही व्यासपीठ पर बैठे जिन्होंने हमारी धर्म संस्कृति का पूरा संपूर्ण अध्ययन किया है, सदगुरु के चरणों के तले बैठकर किया है, उसको ही वो अधिकार प्राप्त होता है। अब ये अधिकार कौन प्रदान करता है? ऐसे बहुत से गुरु होते हैं, लालची होते हैं मन में, जिनके मन में केवल धन होता है, संस्कार के बारे में बोलते नहीं। हमें योगेश्वर कृष्ण चाहिए, सुदर्शन चक्र चलाने वाला, दुष्टों का हनन करने वाला, सज्जनों का परित्राण करने वाला और सद्धर्म की रक्षा करने वाला, वो युग पुरुष, वो युगात्मा, युग पद्म वाला, वो भगवान श्री कृष्ण हमें चाहिए, ना कि केवल रास क्रीड़ा करने वाला। भगवान ने रास क्रीड़ा की लेकिन वहां राधा कोई नहीं थी, राधा का नाम तक भागवत महापुराण में नहीं है। तो मेरा तो सुझाव अत्यंत स्पष्ट रूप से ये है कि जिनका अध्ययन नहीं है, जिनको सदगुरु परंपरा नहीं मिली है, जिन्होंने मूल ग्रंथ नहीं पढ़े है, वो व्यासपीठ को पैर लगाने का धाड़स कभी मत करे, बिल्कुल मत करना। इसके लिए अधिकार पहले प्राप्त करना होता है, उसके बाद व्यासपीठ पर बैठे और समाज को उपदेश